आइए इस मौके पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, आइए मिलकर सब अल्लाह के फिल्म दुआ करें, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी पर अपना रहम करें, गर्म करें और पाकिस्तान दुनिया का भी खुशहाल रंग बन जाए। आप इस तरह देख रहे हैं कि अभी दस दिन हुए सिर्फ गुजरात में पाकिस्तान से बातचीत आए हुए, लेकिन वो बड़ी मेहनत से और रात अपने काम का आगाज कर लिया है और मुझे यकीन है क्योंकि जिस तरह वगैरह पंजाब की असर से वो कामयाब होने वाला है, मुझे अल्लाह को यकीन है कि इंशाल्लाह वो एक पाकिस्तान के भी कामयाब तरीन वजी अजम होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर चूंकि रमजान शरीफ का महीना है, कोई लंबी छोटी बात को करनी नहीं है, इसलिए बस यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला शहबाज साहब को कामयाबी अता फरमाए और कल शाम तक मेरे ख्याल है अल्लाह शाहबाज भी पंजाब के बजाने का बता रहे हैं, अल्लाह ताला उन्होंने कामयाबी अता फरमाए। इस मौके पर मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अपने लाए नवाज शरीफ साहब की जिंदगी और सेहत के लिए खुशी बहुत आई, क्योंकि ये वही रास्ता है जो उन्होंने लगाया था, जो आज प्रमाण कर चुका है, आज सब हम उसकी चौकड़ी से बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी में ऐसे ही। दूसरी मैं एक आम बात ये करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले मई की 6 तारीख को मरियम साहबा फतेह जाते दर्शन करने के लिए आ रही है, मेरी गुजारिश होगी कि आप सब ने जो कर जो फतेह जाना है और दर्शन से शुरू करना है, बहुत बहुत शुक्रिया।